Hello everyone, welcome back in business studies class. In today's session we are going to discuss the departmental store, the first form of large scale retailers. Very first we are going to discuss the concept of large scale retailers. Large scale retailing is the retail trade involving operations on a large scale and the sale of goods in small quantities. लार्ज स्केल रिटेलिंग जो है वो क्या है बेटा, कि रिटेलर से हम सभी अटैच हैं. हम अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए नंबर ऑफ रिटेलर से जो है शॉपिंग डेली करते रहते हैं. तो आप वहां देखते हो बेटा कि जो रिटेलर है उसका जो ऑपरेशन का स्केल है वो बहुत लार्ज होता है, यानी कि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर उसकी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं. परचेज, सेल, एडवर्टीजमेंट, डेकोरेशन, सब कुछ लार्ज स्केल पर होता है. बट जो सेल करता है गुड्स को वो किस में करता है, स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करता है. जो गुड्स की सेल है वो किस में हो रही है, स्मॉल क्वांटिटीज में हो रही है, क्योंकि जो कंज्यूमर की नीड्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज की होती हैं. किसी को 1 यूनिट्स में प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी को 5 यूनिट्स में चाहिए, ठीक है. उसी अकॉर्डिंग वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए रिटेलर जो है वो गुड्स प्रोवाइड करता है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग आर, फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल स्टोर, सेकेंड वन इज सुपर बाजार, थर्ड वन इज मॉल्स, एंड फिफ्थ वन इज चेन स्टोर्स, नेक्स्ट इज मेल ऑर्डर बिजनेस, एंड सिक्स्थ इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर, एंड लास्ट वन इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स. इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिपार्टमेंटल स्टोर, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग. What is departmental store? A departmental store is a large-scale retail organization offering a wide variety of products classified into well-defined departments aimed at satisfying every consumer need under one roof. A departmental store is a combination of several stores under one roof and unified control. One department deals only one line of products or goods. There may be separate department for books, for furniture, for clothes, for medicine, or for electronics equipments, etc. Departmental store sells everything from a pin to elephant. In departmental store, the consumers are likely to spend more time while making their shopping, so they provide services like restrooms, restaurants, telephone, free home delivery, etc. They are generally organized as a joint stock company. But in India, real departmental store have not yet come in a big way in the retailing business. Well, students, what is the concept of retail trading? हमने वो अंडरस्टैंड किया. अब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, जो कि हमारा रिटेल ट्रेडिंग का फर्स्ट फॉर्म है. रिटेल ट्रेडिंग जो है वो 7 फॉर्म्स में हमारी कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से वेरी फर्स्ट फॉर्म है डिपार्टमेंटल स्टोर. और हम सभी बहुत फेमिलियर हैं इससे, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करते रहते हैं, ठीक है. तो इसीलिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो. तो हम इसके कंसेप्ट पर आ रहे हैं बेटा कि डिपार्टमेंटल स्टोर होते क्या हैं. रियल में डिपार्टमेंटल स्टोर वो स्टोर्स होते हैं जहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल के ऊपर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, और आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज में वहां से परचेज कर सकते हो. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए वहां पर अलग अलग सेक्शंस होते हैं. बुक्स का अलग सेक्शन है, फर्नीचर का अलग सेक्शन है, और फूड आइटम्स का अलग सेक्शन है, ग्रोसरी का अलग सेक्शन है, क्लोथ्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इस तरह से हर प्रोडक्ट के अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं. और इन सभी को एक ही रूफ के अंडर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है. तो जनरली क्या होता है कि कस्टमर वहां पर अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, वो सभी सेक्शंस में वन बाय वन विजिट करते हैं, और अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्हें जो भी गुड्स परचेज करनी है वहां से वो परचेज कर सकते हैं. अब बहुत सारा टाइम अगर कस्टमर एक ही रूफ के नीचे, एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसे बहुत सारी फैसिलिटीज भी वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो अवेलेबल करवाते हैं. जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, रेस्टोरेंट फैसिलिटीज हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटीज हैं. वहां पर छोटे से छोटी सी चीज को लेकर बड़े से बड़ी चीज आपके पास वहां अवेलेबल है. जैसा कि यहाँ एक प्रोवर्ब भी यूज किया गया है, ए पिन टू एलिफेंट.
सुई से लेकर हाथी तक की चीजें वहां पर क्या है अवेलेबल है, यानी कि छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपको उस डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन रियल में जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसका जो फॉर्मेट है वो अभी हमारी कंट्री में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, जिस डिपार्टमेंटल स्टोर का कंसेप्ट हम रीड कर रहे हैं हमारी कंट्री में डिपार्टमेंटल स्टोर है, बट जो रियल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं सॉरी वो हमारी कंट्री में अभी भी अवेलेबल नहीं है। हमने एग्जाम्पल लिया है कि चाइना का स्पेंसर, मार्क्स एंड स्पेंसर, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं कितनी लार्ज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उस बिल्डिंग के अंदर ये एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्लोथ्स का डिपार्टमेंट आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंट है, इस बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट है। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि पिन टू एलिफेंट तक की जो गुड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग में सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे और वहां पर छोटे से छोटी सी चीज से लेकर बड़े से बड़ी चीज भी आपको वहां पर अवेलेबल होगी। कम टू द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, द साइज ऑफ दीज स्टोर्स आर जनरली वेरी लार्ज, सो दे आर जनरली फॉर्म्ड एज ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इनका जो साइज होता है बहुत लार्ज होता है, इसीलिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी क्या है, ठीक है, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डील करते हैं। सेम वही बात यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में हो रही है कि कंट्रोल मैनेजमेंट एक ही पर्सन के हाथ में होता है, एक बहुत बड़ी टीम होती है, उस टीम के अंडर सारा का सारा डिपार्टमेंटल स्टोर काम करता है। ठीक है, मतलब अभी आपको डिस्कस करूंगी मैं कि वहां पर क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में परचेजिंग का काम एक ही टीम करती है, ठीक है, लेकिन जो सेल करने का काम है वो कौन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स करते हैं। दीज आर जनरली लोकेटेड एट ए सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ऐसी सिटी में ऐसी प्लेस पर ये ओपन किए जाते हैं कि जो प्लेस बड़ा फेमस हो, जहां पर सभी पर्सन इजीली पहुंच सके, पार्किंग की फैसिलिटीज अच्छी हो, ठीक है, ऐसा प्लेस जो है वो चूज किया जाता है। ए नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स अंडर वन रूफ एंड वन मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये बेटा, कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी रिटेल शॉप्स होती हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट जो है सिंगल हैंड में होता है, या एक टीम होती है जिसके हैंड में उसका सारा मैनेजमेंट होता है, सारा कंट्रोल होता है। ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम वन डिपार्टमेंटल स्टोर, द प्रोडक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए सेपरेट डिपार्टमेंट्स, ईच डिपार्टमेंट डील्स ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट लाइक बुक्स, लाइक फर्नीचर, लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। इट ऑफर्स वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर्स लाइक रेस्टोरेंट, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट फैसिलिटीज एटसेट्रा टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ रिचर एंड बेटर क्लास ऑफ पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, सेंट्रलाइज्ड परचेज बाय परचेज डिपार्टमेंट एंड सेल्स आर सेंट्रलाइज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जिस भी डिपार्टमेंट को कुछ भी परचेज करना होता है वो अपने परचेज ऑर्डर किसे देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं। परचेज डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, और वो लार्ज स्केल के ऊपर परचेजिंग करते हैं, मिनिमम प्राइजेस में उन लार्ज स्केल पर परचेजिंग करने से, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है वहां पर कम हो जाती है। लार्ज स्केल पर वो होलसेलर से, प्रोड्यूसर से माल उठाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट को क्या करवाते हैं, मिनिमाइज करवाते हैं। ठीक है, यानी कि सारा का सारा जितना भी सामान उस डिपार्टमेंटल स्टोर में परचेज किया जाना है रीसेल के पर्पस से, वो सारा कौन परचेज करता है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है। परचेज डिपार्टमेंट परचेज करने के बाद वो सामान किसको दे देता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स वहां बने हुए हैं उन डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उन्हें दे दिया जाता है और वो उन्हें बेचने का काम करते हैं। एक ही डिपार्टमेंट में आता है सारा का सारा सामान परचेज डिपार्टमेंट में, लेकिन सेल्स जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट जो है वो बुक्स भी परचेज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी परचेज कर रहा है, स्टेशनरी भी परचेज कर रहा है, फर्नीचर भी परचेज कर रहा है, मेडिसिन भी परचेज कर रहा है। ठीक है, सारा का सारा परचेजिंग का काम किसका है, परचेज डिपार्टमेंट का। फिर वो एक अलग अलग आइटम्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सौंप देता है कि अब आपने इन आइटम्स को क्या करना है, सेल करना है। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, फर्स्ट वन इज इकोनॉमी इन लार्ज स्केल बिजनेस। देखो कि होलसेलर से, प्रोड्यूसर से परचेज डिपार्टमेंट जो है
वो लार्ज स्केल के ऊपर गुड्स परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिक पर यूनिट कॉस्ट उन्हें क्या पड़ती है, कम पड़ती है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर ट्रेंड और एफिशिएंट स्टाफ होता है, ठीक है, और वो अपने हर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट होने की वजह से जो कॉस्ट है वो क्या आनी शुरू हो जाती है, मिनिमम आनी स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रल लोकेशन, इन्हें सिटी में ऐसी लोकेशन में ओपन किया जाता है जो सिटी का हार्ट होती हैं, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर लोग इजीली जो है वो पहुँच सकते हैं। इजी एडवर्टीजमेंट, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था डिपार्टमेंटल स्टोर का कि एक चेन्नई के डिपार्टमेंटल स्टोर को हमने क्लिक किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और ये एडवर्टीजमेंट के मॉडर्न मैथड्स को, मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करती हैं, इसीलिए इनके लिए किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना क्या रहता है, ईजी रहता है। होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये कस्टमर्स के टेलीफोनिकली ऑर्डर्स लेती हैं, उन्हें गुड्स होम डिलीवरी में प्रोवाइड करती हैं और जो कस्टमर वहां पर भी आकर शॉपिंग कर रहे हैं तो उनकी गुड्स को भी होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड की जाती है अगर कस्टमर्स चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज शॉपिंग फैसिलिटी, ये बात तो क्लियर ही है कि वहां पर एक ही रूफ के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो कस्टमर्स के लिए शॉपिंग करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है कि वो एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं और वहां से ही सारा अपना सामान परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट में हम बेटा ये लेते हैं कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की गुड्स सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकें और डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। नेक्स्ट इज सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन को हम इजी एडवर्टीजमेंट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं, प्रमोशन है, डिस्काउंट है, ऑफर है और कूपन्स हैं, लकी ड्रॉज हैं, इस तरह के सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। सेल्स प्रमोशन का मतलब कि माल को बेचने के लिए क्या क्या प्रमोशनल टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, इट इज कॉल्ड सेल प्रमोशंस, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से, वेरियस स्कीम्स की हेल्प से, कूपन्स, लकी ड्रॉज, डिस्काउंट, गिफ्ट हैम्पर्स की हेल्प से हम जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा, वो वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो मॉडर्न टेक्निक्स मार्केट में ट्रेंड में होती हैं उन्हें अडॉप्ट करते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। नो फियर ऑफ चीटिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो है सेल्फ सर्विस एक तरह से होती है, वहां पर वैसे सेल्समैन होते हैं जो आपको अटेंड करते हैं, आपको कोई भी क्वेरी लेनी है, आपको जो है कुछ ढूंढना चाहते हो और वो नहीं मिल रहा है तो वो सब आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर प्राइस के टैग लगे होते हैं, ठीक है, और किसके ऊपर कितना डिस्काउंट है, कितना गिफ्ट है, क्या स्कीम अवेलेबल है, ईच एंड एवरी थिंग इज अवेलेबल ऑन द स्लिप ऑफ प्रोडक्ट्स और ऑन द टैग्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीटिंग कर ले आपसे, कोई भी आपके साथ फ्रॉड किया जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। फर्स्ट वन इज ह्यूज कैपिटल। अब इतनी बड़े लेवल के ऊपर जब काम हो रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया जाना है, तो कैपिटल क्या रहेगी, मोर रिक्वायर्ड रहेगी अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर, यानी कि जो हमारी सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसकी पहुंच से ये बहुत दूर होते हैं क्योंकि यहाँ पर गुड्स एक्सपेंसिव होती हैं, रिच क्लास पीपल ही यहाँ पर विजिट करते हैं क्योंकि ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, होम डिलीवरी दे रहे हैं, रेस्टोरेंट दे रहे हैं, फ्री इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर गुड्स कॉस्टली होती हैं और ऑर्डिनरी कस्टमर की पहुँच से दूर होती हैं। इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक डिपार्टमेंटल स्टोर की जो डेकोरेशंस हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, उन पर भी बहुत मनी स्पेंड की जाती है। तो इसीलिए जो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है बिजनेस को चलाने के खर्चे, ठीक है, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही हाई हो जाते हैं। गुड्स कॉस्टली होती हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट पर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है और रिच क्लास पीपल्स ही यहाँ विजिट करते हैं और रिच क्लास पीपल्स के टेस्ट, नीड, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही गुड्स को परचेज किया जाता है। सो गुड्स आर कॉस्टली इन द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन,
जिस तरह से एक छोटे रिटेलर अपने कस्टमर को पर्सनली अटेंड करते हैं, उन्हें गुड्स खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपने देखा हो कि हम किसी एक छोटे रिटेलर की शॉप पर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, वो आपको उसमें जो रिटेलर होता है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपको चार प्रोडक्ट और भी बेच सकता है, ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट करता है, मोटिवेट करता है, वो आपको दिखाता है कि ये देखिए ये नया प्रोडक्ट आया, आप कहते हो नहीं हमने नहीं लेना, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपको ये बार बार इंसिस्ट करता है लेना मत, देख तो लीजिए, आगे कभी फ्यूचर में लेना पड़ जाएगा आपको, ठीक है, तो वो आपको जो है प्रेशर में उस प्रोडक्ट को दिखा तो जरूरी देता है, और हो सकता है वो आपको इतना मोटिवेट कर दे कि ऑन द स्पॉट आप उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर लो, ठीक है, या नियर फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को परचेज करने का मूड बना लो, ठीक है, तो मतलब ये काम कौन करता है, स्मॉल रिटेलर्स करते हैं, लेकिन जो ये लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहां पर ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं होती, सेल्समैन या फिर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के इंचार्जेस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ होता है, ठीक है, वो कस्टमर्स के साथ इतने पर्सनल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है, पर्सनल रिलेशन का मीनिंग है कि वो कस्टमर्स की सिर्फ क्वेरीज सोल्व करते हैं, अगर कस्टमर को कुछ पूछना है तो बताते हैं, अदरवाइज वो खुद से आकर कस्टमर को अटेंड नहीं करते हैं। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, पर्सनल रिलेशनशिप कस्टमर और जो है ऑनर्स के बीच में, स्टाफ के बीच में एस्टैब्लिश नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती, यहाँ सिर्फ होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो बेटा हो ही रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स किसके लिए बनाए गए हैं, रिच क्लास पीपल के लिए बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहां विजिट नहीं कर सकता, अगर कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वहां विजिट करता भी है तो उसे इग्नोर किया जाता है, उसे क्लियरली ये कहा जाता है कि दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर बजट, ठीक है, तो वो इंसल्टिंग भी फील करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।